वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये वीडियो उन गर्ल्स के लिए जिन्हें पीरियड आए हैं, आने वाले हैं या फिर आके गए हैं, और जिन्हें पीरियड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जिनका पीरियड आते ही वो ऐसे सोचते कि यार अब मेरा क्या होगा, मुझे कितना पेन होगा वगैरह वगैरह। सो डोंट वरी गर्ल्स, ये वीडियो आपके लिए है, और इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो आपको पीरियड में बहुत हेल्प करेंगे और आपका पीरियड हैप्पीली चला जाएगा। सो बिना देर करिए चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गर्ल्स, पीरियड्स की अगर हम बात करें ना, तो सबसे पहले दिमाग में आता है उसका बेस्ट फ्रेंड, यानी कि पेन, क्रैम्स, वो दोनों मिलके हमें कितने परेशान करते हैं। तो चलिए जानते हैं वो हमें परेशान क्यों करते हैं, यानी कि हमें क्रैम्स क्यों होते हैं। तो क्या होता है, जब हमारे पीरियड्स स्टार्ट होते हैं तो हमारे यूटेरस के जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते रहते हैं, और इसी की वजह से हमें पेन होता है। ये तो बहुत कॉमन सी बात है, लेकिन दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपको PCOS, PCOD या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस जैसी प्रॉब्लम हो। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है, लिटरली बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो आप उसे बिल्कुल भी हल्के में मत लेना और डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए और अपना ट्रीटमेंट करवाइए। तो पीरियड क्रैम्प से बचने के लिए इस वीडियो में मैंने कुछ टिप्स आपके साथ शेयर की है, तो वीडियो प्लीज़ एंड तक देखना, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं, ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियोज़ लेके आऊँ। मैंने सुना है कि कुछ लोग पीरियड में नहाने से मना करते हैं, लेकिन ये बहुत गलत है, बल्कि हमें पीरियड में हाइजीन मेंटेन करने के लिए ज़रूर नहाना चाहिए। और अगर आप गर्म पानी से नहाते हो ना, तो और भी बेस्ट, क्योंकि गर्म पानी से हमारे मसल्स रिलैक्स होते हैं और हमें अच्छा भी फील होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रैम्स होते हैं, तो उससे बचने के लिए आपको पीरियड आने के एक हफ्ते पहले से ही तैयारी करनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, जब भी आपके पीरियड आने वाले होंगे तो उसके एक हफ्ते पहले से ही रोज़ आपको 15 से 20 मिनट कीगल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि जब हमारे पीरियड्स आते हैं तो हमारे यूटरस के जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते रहते हैं, और उसकी वजह से हमें पेन होता है। तो ये कीगल एक्सरसाइज क्या करती है, हमारे जो पेल्विक मसल्स होते हैं उस पर फोकस करती है और उसे स्ट्रांग बनाती है, और जब आपके पीरियड आएंगे तो आपको थोड़ा सा कम पेन होगा। अगर आपको जानना है कि ये कीगल एक्सरसाइज क्या होती है, तो मुझे कमेंट कीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर लेके आऊँ। अगर आपको कुछ टेम्प्रेरी सोल्यूशन चाहिए, तो आप हॉट वाटर बॉटल यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक मोटा कपड़ा लीजिए, उसमें राइस डाल दीजिए और फिर उसे सील लीजिए, और तवा गरम करके उसके ऊपर एक मिनट रखिए और उसे यूज़ करिए। अगर आपको इतना कुछ करना अच्छा नहीं लगता, तो उसका भी सोल्यूशन है, आजकल मार्केट में इलेक्ट्रिक हॉट वाटर बॉटल आती है, तो वो आप कहीं भी कभी भी यूज़ कर सकते हैं। सो कुछ गर्ल्स पेन हो रहा है इसलिए बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीते हैं, और उसमें होता है हाई अमाउंट ऑफ कैफीन, जो हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। सो आप उसकी जगह पर ग्रीन टी पी सकते हैं, या फिर गुनगुना पानी करके एक एक सिप ले सकते हैं दिन भर में। सो ये ट्रिक आपको बहुत पसंद आएगी गर्ल्स। तो पीरियड में हमें बहुत ज़्यादा बनानास और डार्क चॉकलेट्स खाने चाहिए, क्योंकि बनानास में होता है विटामिन B6 और पोटेशियम, जो आपके पीरियड क्रैम्स को बहुत ज़्यादा कम कर देता है, और डार्क चॉकलेट्स में होता है आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम और बहुत ज़्यादा हेल्दी कोकोबीन, जो आपके मसल्स को रिलैक्स करता है और आपके मूड स्विंग्स को भी ठीक करता है। तो वैसे भी हमें पीरियड में बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग की, गैस की प्रॉब्लम होती है, तो अगर आप उस पर भी ठूस ठूस के खाना खाओगे तो आपको पता ही होगा कि क्या होता है। सो पीरियड में आपको बहुत हल्का फुल्का और गर्म खाना खाना चाहिए, ताकि आपके पेट को भी आराम मिले और आपके मसल्स को भी रिलैक्स फील हो और आपको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम भी ना हो। ज़्यादातर गर्ल्स पीरियड्स में पैड यूज़ करती है, और ये ट्रिक स्पेशली टीनेज गर्ल्स के लिए और उन गर्ल्स को जिन्हें नहीं पता कि हमें पीरियड में ज़्यादातर अराउंड 4 to 5 hours में पैड चेंज करना चाहिए। अगर आप उससे ज़्यादा टाइम तक पैड रखते हो, तो वहाँ पर बैक्टीरिया और फंगस पैदा हो जाता है, और वो बैक्टीरिया और फंगस की वजह से हमें हमारे लेडी पार्ट में, जो कि बहुत सेंसिटिव होता है, वहाँ पर इन्फेक्शंस, रैशेस, ईचिंग होगी और बदबू तो अलग से आएगी। अगर आप इससे बचना चाहते हो, तो टाइम टू टाइम पैड चेंज करो।
सो बहुत सारी गर्ल्स के मन में सवाल होगा कि पीरियड में हमें वजन के ऊपर कहर निकालने चाहिए या नहीं। सो गर्ल्स, पीरियड में नहीं लेकिन पीरियड आने के पहले ही आपको निकालनी चाहिए। और हाँ, भगवान ने हमें वहाँ पहर कुछ कारणवश ही दे होते हैं, सो आप पूरी तरीके से मत निकालना। आपको वजाना के हेयर हमेशा ट्रिम करने चाहिए। और वैसे भी पीरियड्स में हेयर थोड़े से अनहाइजीनिक होते हैं, आपका पीरियड का ब्लड उस पर चिपक जाता है और आपको बहुत इरिटेटिंग फील होता है। सो क्या करें, आप पूरी तरीके से मत निकालना, उसे हमेशा ट्रिम करो। अगर आप ऑफिस गोइंग, स्कूल कॉलेज गोइंग गर्ल हैं, वैसे स्कूल और कॉलेजेस तो बंद हैं, लेकिन फिर भी आप पीरियड के दिनों में अगर कहीं बाहर जाती हो तो आपको साथ में एक पैड, एक पैंटी और एक जैकेट या फिर शर्ट जरूर रखना चाहिए। अगर गलती से आपके पीरियड आ भी जाए तो आपके पास पैड तो होगा ही, सो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके किसी कलीग या फिर फ्रेंड को अगर आप ज़रूरत पड़े तो आप उसे भी हेल्प कर सकते हो। और अगर गलती से आपके पैंटी में स्टेन लग गया तो आपके पास दूसरी पैंटी तो होगी, तो आप उसे यूज़ कर सकते हो। और अगर गलती से आपके कपड़ों पे लग गया तो आपके पास जैकेट भी होगा और आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। जैकेट को आप ऐसे पीछे बांध सकते हो। तो मैंने बहुत लोगों को कहते हुए सुना है कि पीरियड में हमेशा ब्लैक कलर की पैंटी पहनो। अगर आप ब्लैक कलर की पैंटी पहनते हो और आपको स्टेन गलती से लग जाए तो आपको पता कैसे चलेगा? सो पीरियड में हमेशा ब्राइट कलर की पैंटीज पहनो, ताकि अगर आपको स्टेन लग गया तो आपको तुरंत पता चलेगा और आप उसे ठीक भी कर सकते हो। ये पैंटी तो अंदर होगी, लेकिन आपको पीरियड में हमेशा डार्क कलर के कपड़े पहनने चाहिए। अगर आप ब्लैक कलर के पहनते हो तो बेस्ट है। सो गलती से आपके पैंटी में स्टेन लग भी गया तो आपके ऊपर के कपड़े तो ब्लैक होगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके पैंटी में स्टेन लग जाए तो अगर आप उसे तुरंत धो देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तुरंत निकल जाएगा। लेकिन स्टेन लगे हुए बहुत टाइम हो चुका है, सो आप उसे ठंडे पानी में नमक डाल के उसे धो सकते हो, वो दाग अच्छे से निकल जाएगा। और याद रखिए, कभी भी स्टेन को गर्म पानी में ना धोए, वो हमेशा के लिए वहाँ पे चिपक जाएगा और आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आपको पीरियड में हमेशा कॉटन की पैंटी यूज़ करनी चाहिए। अगर आप पीरियड में सिंथेटिक फाइबर की पैंटी यूज़ करते हो, एक तो वो वैसे भी स्किन फ्रेंडली होती नहीं है और उस पर पैड भी नहीं चिपकता और उसमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो इसलिए आप हमेशा कॉटन की पैंटी यूज़ कीजिए, ताकि हवा भी आती जाती रहे, आपको इरिटेशन भी फील ना हो और पैड भी अच्छे से चिपका रहे। सो आपको पीरियड में कोई फैंसी पैंटीज, थॉन्ग्स एंड ऑल यूज नहीं करनी चाहिए। और जो टीनेज गर्ल्स होती है, वो जो बलून वाली पैंटी होती है वो भी नहीं यूज करनी चाहिए। तो आपको पीरियड में हमेशा कॉटन की सिंपल पैंटी यूज करनी चाहिए, जिसका पीछे का हिस्सा थोड़ा सा बड़ा हो और उस पर आपका पैड अच्छे से चिपका रहे और आपको लीकेज की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो मैंने बहुत जगह पर, स्पेशली गांव में, मैंने देखा है कि लड़कियां, औरतें पीरियड्स के दिनों में हमेशा कपड़े यूज करती है और उसे धोने के बाद वो किसी कोने में या फिर किसी कपड़े के नीचे, दुपट्टे के नीचे सुखाती है, जो कि बहुत गलत है। अगर आप पीरियड्स के कपड़े अगर आप धूप में सुखाओगे तो उसमें जो बचे कुचे जो बैक्टीरिया लगे हैं स्टेन की वजह से, वो मर जाएंगे। तो इसलिए ना शर्माओ मत, हमारी बॉडी है, हमारे कपड़े हैं, तो अगर बैक्टीरिया हमारे पैंटीज में रहेंगे तो इन्फेक्शंस तो हमें ही होंगे। सो इसलिए इससे अच्छा आप धूप में कपड़े सुखाओ, किसी से मत डरो। तो मैंने देखा है कि कुछ गर्ल्स अगर पैड में से ओडर आता है तो सीधे वजाना के ऊपर परफ्यूम स्प्रे करते हैं, तो ये तो बहुत गलत है। अगर आप वजाना के ऊपर कुछ भी ऐसा स्प्रे करोगे तो आपको बहुत इन्फेक्शन होगे, बहुत रैशेस होंगे। तो इससे अच्छा आप ऐसे कपड़ों पर स्प्रे कर सकते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है तो, या फिर ऐसे साइड में स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, कपड़ों के ऊपर बदबू आने तक आप पैड रखते ही क्यों हो? आपको इसलिए टाइम टू टाइम पैड चेंज करना चाहिए। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, स्पेशली टीनेज गर्ल्स के साथ, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।